कॉलेज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एन फंक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिक एंट्री टू इट्स मैथमेटिकल वैल्यू। यानी कि इस फंक्शन का हम यूज करते हैं किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू को न्यूमेरिक एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए। एनीथिंग विच विल नॉट कन्वर्ट इज शोन एज जीरो। यानी कोई वैल्यू ऐसी जो कन्वर्ट नहीं हो रही तो उसका जो रिजल्ट होगा, यानी उसका जो आंसर होगा वो जीरो दिखाएगा। एक्सेल डज नॉट रियली नीड दिस फंक्शन ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सेल कैलकुलेट इन दिस वे नेचुरली। एक्सेल को वैसे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस फंक्शन की, क्योंकि एक्सेल जो है वो ऑलरेडी ही इस टाइप की वैल्यूज को ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर लेता है। सिंटेक्स इज इक्वल टू एन, विद इन ब्रैकेट आप लिखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिक एंट्री। फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको। तो आइए देख लेते हैं, जो हमने टेबल प्रिपेयर की है उसमें मैंने कुछ ओरिजिनल नंबर लिए हैं और कुछ टेक्स्ट भी हैं, मतलब हर टाइप के नंबर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं मैथमेटिकल वे से। तो उसको मैंने कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक एंट्रीज में विद हेल्प ऑफ एन फंक्शन। तो आइए देखते हैं अप्लाई कैसे होगा। इक्वल टू एन, विद इन ब्रैकेट आप सिलेक्शन करेंगे उस वैल्यू को जो आपने कन्वर्ट करनी है न्यूमेरिक में। तो आपने वैल्यू सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो आप देख सकते हैं जो 1 था वो न्यूमेरिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, तो 1 का 1 ही रहेगा न्यूमेरिक एंट्री में भी रोल। तो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फिर से वही सेम फॉर्मूला इक्वल टू एन। तो आप नंबर सिलेक्ट करेंगे जो भी वैल्यू होगी आपकी, वो ब्रैकेट क्रॉस करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 of 1/2 को हम 3.5 यानी न्यूमेरिक वे में इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह बाकी के एग्जाम्पल जो गिवन है आपके पास, वो भी आप सेम फंक्शन की हेल्प से इसी प्रोसेस से आप अप्लाई करके देख सकते हैं। होप सो आपको एन फंक्शन यूज करना इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसे ट्राई करके जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।